हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बेस्ड ऑफ ओलंपियाड एंड गोइंग टू स्कूल में आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, जैसे कि राजस्थान में आसाम से कैसे आते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर किस व्हीकल का यूज़ करते हैं, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, वल्लम क्या होता है, पुल्ली से लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये पुल्ली और ट्रॉली का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, वहाँ की रिवर कैसी होती है जो बच्चे उसको क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ स्थानों पर जैसे माउंटेन एरिया पर बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, गुजरात में जुगाड़ का जैसे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, वो गांव के लोग अपने स्कूल को जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं, वो कैसे रास्ते होते हैं, ये सब का डिस्कशन हम किस में करेंगे, गोइंग टू स्कूल में। जैसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो हम कुछ आपको दिखाएंगे कि आसाम के बच्चे स्कूल किस तरह से जा रहे हैं, राजस्थान में जुगाड़ का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, पुल्ली और ट्राली का यूज़ ये रिवर क्रॉस करने के लिए स्कूल जाने के लिए कैसे कर रहे हैं, कि कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर हम स्कूल जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कैमल कार्ट हो गया, गुजरात में आप देखते हैं कि वहाँ पर जुगाड़ चलता है, वैसे केरला में आप जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा गिरता है, बरसात ज़्यादा होती है, नदियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम स्कूल जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो केरला के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ वल्लम का यूज़ करेंगे। उसी तरह आप यहाँ जाएंगे जब राजस्थान में तो देख लिया कैमल कार्ट को, लद्दाख जैसे प्लेस में जो हमें जाना होगा क्योंकि वहाँ की रिवर चौड़ी होती है, गहरी होती है, माउंटेन से घिरी होती है, तो ऐसे प्लेस में हमें जब स्कूल जाना होता है तो हमें पुल्ली और ट्राली का यूज़ करना पड़ता है, उसमें केवल 4 से 5 बच्चे ही बैठ पाते हैं। इसमें मेन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आसाम में जहाँ बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बच्चे कैसे जाएंगे, तो वहाँ पर वो कैसे जाएंगे, इट रेन सो मच समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, तो सब जगह पानी कहाँ पर होता है, घुटने से ऊपर तक पानी आ जाता है। चिल्ड्रेन होल्ड द बुक इन वन हैंड एंड क्रॉस बम्बू एंड रोप ब्रिज टाइटली, तो एक हाथ से तो वो कॉपी किताब या बैग पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से जो ब्रिज का होता है हैंड उसको पकड़ करके वो जाते हैं। इसी तरह से लद्दाख प्लेस में जैसा कि ट्रॉली और पुली का यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो चिल्ड्रेन हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, तो नदियाँ कैसी होती हैं, लंबी और चौड़ी होती हैं। तो लद्दाख में रिवर कैसी हो रही है, लंबी और चौड़ी हो रही हैं, उसको क्रॉस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज ऑन रॉक देयर इज अ ट्रॉली ऑन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, तो जो लकड़ी से बने हुए एक खुले बॉक्स होते हैं उसको हम दोनों तरफ माउंटेन से टाइटली बांध देते हैं, इसके बाद अटैच्ड विद द रोप, उस जॉइंट किसे करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं अच्छे से। 4 or 5 चिल्ड्रेन सिट इन द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, तो उस जो बॉक्स को हम बनाते हैं उस बॉक्स पे कितने बच्चे बैठ पाते हैं, केवल 4 से 5 बच्चे बैठ पाते हैं, तो वो क्रॉस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 4 बच्चे दूसरे रो से जाएंगे, फिर तीसरे, इस तरह से बच्चे क्रॉस करके अपने स्कूल जा पाते हैं। ये है आपका लद्दाख प्लेस का और आसाम प्लेस का। इन केरला स्कूल चिल्ड्रेन गोज टू स्कूल इन वल्लम विच इज़ अ स्मॉल बोट मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी के बने हुए जो नाव होते हैं उससे वो रिवर क्रॉस करके, जो छोटे छोटे वल्लम होते हैं उस पर भी 4 से 5 बच्चे ही बैठ पाते हैं और वो ईजली अपने स्कूल जा पाते हैं। ओके, राजस्थान के राजस्थान प्लेस में बच्चे कैसे जाते हैं, यूज़ कैमल कार्ट टू रीच देयर स्कूल। वहीं आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात जैसे प्लेस पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, दे यूज जुगाड़, ये एक प्रकार का
ट्रांसपोर्ट होता है जिसका जो इंजन होता है वो तो आपके उसका होता है बुलेट का होता है, लेकिन उसके अराउंड लगा होता है लकड़ी का बॉक्स जिसमें बैठ करके बच्चे जाते हैं। ठीक है, ये जुगाड़ है, उसी के यूज से टू रीच स्कूल। ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट का यूज़ आप करते हो, आप किस ट्रांसपोर्ट के यूज़ से अपने स्कूल जाते हो, आपके मम्मी पापा पहुँचाते हैं कि आप ऑटो से आते हो, इस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम स्कूल जाने के लिए करते हैं। अब हम आते हैं ईयर टू ईयर। ईयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ईयर बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। ईयर अगर हमारी कट दी जाएगी तो हम चल नहीं सकते हैं, जैसा हमने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया है आपको। ईयर से हम क्या करते हैं, दिस इज़ द सेंस ऑर्गन, लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं। ईयर, जिसके पास ईयर है और आप उसे देख पा रहे हो और हेयर है पूरे बॉडी में, दे गिव बर्थ यंग वन। और जिसके पास ईयर विजुअलाइज नहीं होता है, जिसके बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स एक्सेप्शन हैं, जैसे प्लैटिपस और इकिडना जिसे साही भी बोलते हैं, ऐसे मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, बस दो। ओके, जैसा आप ये मधुमक्खी का बी हीव्स देख रहे हैं कि कैसे इसने अपना बी हीव बनाया है। वर्कर भी क्या होती है, स्टाइल स्टेराइड फीमेल होती है।
कर्णमलेश्वरी, ये सब क्या है? गर्ल क्वीन है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब्दुल इन द गार्डन। तो अब्दुल इन द गार्डन में क्या दिख रहा है? पहले नंबर तो ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ ओक ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में वो ओक ट्री किस तरह से ग्रो कर रहा है और उसकी रूट कितनी दूर तक जाती है, उसकी हाइट कितनी होती है और वहाँ के लोग वो इसको कुरकुरा बुलाते हैं, इस ओक ट्री को। तो रोका प्रजाति की
पॉइंट्स। अब हम आते हैं पोचम पल्लू, जो कि ट्रेडिशनल साड़ीज़ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की।